Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। फिर एक बार हम सब मिलने के द्वारा प्रभु की महिमा हो। तो आइए हम लोग इस संडे की आराधना के लिए हम अपना वचन को अध्ययन करेंगे, हमारे अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, हमने पिछले अध्ययन में हमारा जो हमने मुद्दा लिया, उसका हमने जो अध्ययन किया, उसको हमने वहाँ तक छोड़ दिया कि कुर्बानी यीशु का लहू, और यीशु के लहू में ही हमारा छुटकारा है, यीशु के लहू में ही हमारा उद्धार है। मेरे प्रियो, आज उद्धार बहुत ही आवश्यक है मेरे प्रियो, और उद्धार के विषय में ही आज पूरी मसीहत जो है आज उसी बात पर टिकी हुई है, और उसी के लिए हमारा प्रयास, हमारी प्रार्थना, हमारा सब कुछ प्रभु उसी के लिए हम कर रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब जब कुर्बानी हुई और यीशु का लहू बह गया, और यीशु ने अपना खून सारे संसार के मानव प्राणियों के लिए जब बहाया, तो उस लहू पर अब हमें विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त होता है। इस बात को आज हम लोग थोड़ा समझेंगे। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब अनंत काल के जीवन के लिए हमें क्या करना है? अब उसके लिए बहुत ही सीधा और सरल रास्ता प्रभु ने हमें बताया है। उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और उसमें हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल अब यीशु मसीह के कुर्बानी पर, उनके लहू पर और उनके नाम पर जब हम विश्वास करेंगे, हमारे विश्वास के द्वारा ही हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त होने की बात प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल धर्मशास्त्र में बताया है। ये बिल्कुल सीधा और सरल रास्ता है, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के मानव जाति के लिए और मनुष्य जाति के लिए उन्होंने जो कुर्बानी, जो अपना स्वयं का लहू उन्होंने इस धरती पर बहा दिया, अब सिर्फ हमें उस कुर्बानी पर, उस लहू पर और यीशु मसीह पर विश्वास रखने की बात बाइबिल हमें बता रही है, जिसके द्वारा हमें अनंत काल का जीवन, उद्धार का मतलब अनंत काल का जीवन जो हमें प्राप्त होने वाला है, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 25 और 26वें पद में यहाँ पर बहुत सुंदर रीति से बताया गया। मेरे प्रियो, आमेन, हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मेरे प्रियो, अब हम लोग सही मुद्दे पर अब यहाँ पर आ टिके हैं। मेरे प्रियो, अब कुर्बानी हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान, अपना यज्ञ उन्होंने अर्पण कर दिया, और उन्होंने अपना काम कर दिया। अब हमारा काम क्या है? हमारी बारी अब यहाँ पर हमको दिखती है। अब जो कोई
अनंत काल का जीवन प्राप्त करना चाहता है, जो कोई स्वर्ग का राज और अनंत काल का जीवन, अनंत काल का मतलब कभी ना अंत होने वाला जीवन। मेरे प्रियो, हम सब लोग जानते हैं, हम सब इंसान जो है हम तात्कालिक है और तात्कालिक जीवन में अभी हम लोग जी रहे हैं। आप सबको ये महान सच्चाई आप सब लोग जानते हैं। अब हमें ये तात्कालिक जीवन से अभी हमको अनंतता यानी अनंत काल के जीवन में जाने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो सिर्फ केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने ही समझाया। जैसे कि यूहन्ना 14:6 में भी हमने देखा है, वहां लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे सिवाय कोई भी स्वर्ग के राज में पिता के पास में नहीं पहुंच सकते, ऐसा वहां पर खचित खचित लिखा गया। आमेन। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने यह बात प्रकट किया, अब वही प्रभु यूहन्ना 11:25 में कह रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आमेन, हालेलुया। पुनरुत्थान का मतलब यीशु क्रूस पर मर गए, बलिदान हुआ उनका, उन्होंने लहू बहाया और मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपना कुर्बानी दे दिया, और उनके कुर्बानी के द्वारा सारे मानव जाति का छुटकारा यानी उनके पापों का दफारा हो गया। और जब उनका पाप क्षमा हुए तो वो स्वर्ग के राज्य के अनंत काल के जीवन के वारिस ठहराए जाएंगे, और वो केवल यीशु मसीह के कुर्बानी पर, उनके लहू पर और उन पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होगा। और वो कोई भी हो, वो केवल मसीहों के लिए नहीं, सारे मानव प्राणियों के लिए। जैसे कि हमने पिछले अध्ययन में सीखा है, जितने लोगों में लहू और मांस और आत्मा है वो सब के लिए, अब संसार भर के सारे मानव प्राणियों के लिए ये कहा गया है कि यदि कोई यीशु मसीह के लहू के नीचे आए और उस पर विश्वास करे, केवल मात्र विश्वास, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति, गरीब अमीर, बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति, कोई भी हो, मानव प्राणियों में से यदि कोई उस पर विश्वास रखे, उस पे ईमान लाए, तो उनका उद्धार निश्चित है। उद्धार का मतलब मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष धाम में प्रवेश करने का, मोक्ष धाम में पहुंचने का आपको एक जरिया, एक रास्ता आपको मिल जाएगा। आमेन, हालेलुया। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं मेरे पियो, चाहे कोई भी हो इंसान, मेरे पियो, ये केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, परंतु सारे संसार के मानव जाति के लिए, मैं फिर से बता रहा हूं। और उसके बाद यहां यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान का मतलब पुनर, उत्थान मतलब फिर से जी उठना। अब आप सबको, सारे संसार को ये बात मालूम है कि यीशु मसीह ही एक ऐसा शख्स है जो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। इस पर्व को हम पूरे विश्व भर में मनाते हैं। अच्छे शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह का कुर्बानी हुई, फिर उसके बाद उनके देह को, उनके पार्थिव देह को अब उठाकर उन्होंने कब्र में रख दिया, और कब्र में रखने के बाद तीसरे दिन वो जी उठे। वही पर्व हम लोग इस संसार में मनाते हैं कि वो ईस्टर संडे करके जो दिन एक बहुत बड़ा प्रचलित दिन है पूरे विश्व में, संसार में लोग मनाते हैं कि यीशु मसीह कब्र में से जिलाया गया, यानी पुनरुत्थित हुए, यानी पुनर यानी मर गया और जी उठा। आमेन। और मेरे पियो, वो जी उठा, इसका पूरा प्रमाण हम लोग बाइबल के इतिहास में, हम लोग इस सच्चाई को हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यीशु मसीह फिर से जी उठे,
तो इसीलिए यीशु ने ये बात कही, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमेन, हालेलुया। और एक महान सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ रख छोड़ा है, पुनरुत्थान जीवन मैं ही हूँ और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये एक मुख्य और मूल बात है, यदि मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर जाए तो भी जिएगा। आमेन, हालेलुया। हम सबको मालूम है मनुष्य का जो हमारा जो जो जीवन है ये नश्वर है, ये थोड़े दिनों की है, थोड़े दिनों के बाद हम लोग अपने उम्र के बाद हम लोग मर जाएंगे। वो बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझ पर जो विश्वास करता है यदि वो मर जाए, हम मरेंगे ही क्योंकि हम नश्वर है। इंसान थोड़े दिनों के लिए इस संसार में आया है, उसके बाद उसको अपने अनंतता में जाना है। इस बात का खुलासा मेरे पियो आप उत्पत्ति के किताब में जाएंगे तो आपको आदम का जो हिस्ट्री, उसका सृष्टि, उसको निर्माण करना और उसका बनाया जाना, उसका जीवित होना, ये प्रमाण आपको अगर मिल जाए तो आपको ये बात स्पष्ट होगा। इसलिए यीशु ऐसा कह रहा है क्योंकि हर एक इंसान जो आदम से पैदा हुआ वो मरेगा। आमेन, हालेलुया। तो आदम को परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाकर मिट्टी के अंदर में अपना श्वास यानि परमेश्वर का खुद का श्वास यानि आत्मा उस मिट्टी के पुतले के अंदर में डालकर आदम को जीवित प्राणी बनाया। ये पूरा जग विश्व प्रचलित बात है मेरे प्रियो, सब लोग जानते हैं हम सब मिट्टी से बने हुए लोग हैं, इंसान मिट्टी का है क्योंकि पहला मनुष्य आदम मिट्टी का है। मिट्टी का पुतला बनाकर परमेश्वर ने उसके अंदर में अपने नतनों का श्वास फूका करके वचन में लिखा है। जब वो परमेश्वर का नतनों का श्वास मतलब परमेश्वर की आत्मा से वो जी उठा और जीवित प्राणी बन गया, और फिर उसके द्वारा सारे संसार भर के मानव जाति उत्पन्न हुई, ये सच्चाई है। अब आदम से जो पैदा हुए मनुष्य वो मरेगा क्योंकि वो मट्टी से निकला और मट्टी में ही जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें समझाता है। मेरे प्रियो ये बात आपको सबोपदेशक की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 7वें पद में स्पष्ट लिखा है, मनुष्य मट्टी है और वो मट्टी में ही मिल जाएगा, परंतु उसके अंदर में जो आत्मा है वो श्रेष्ठ है, वो फिर से परमेश्वर के पास में लौट जाएगी। ऐसा बाइबल धर्मशास्त्र का महान सच्चाई जग प्रचलित है, इसको कोई भी झुठला नहीं सकता। क्योंकि आज इंसान मरता है तो हम उसको ले जाकर मिट्टी में डाल देते हैं, गाड़ देते हैं, ये सच्चाई आज भी चल रहा है। ये महान सच्चाई आज तक भी झुठलाया नहीं गया, वही बात आज तक पूरा होते आ रहा है, आज तक, अब तक, हमारे तक। हम मनुष्य को मरने के बाद में मट्टी में डाल देते हैं, परंतु इतना अपने को मालूम है वो मट्टी में गया। लेकिन मेरे पियो एक महान सच्चाई बाइबिल बताती है कि मनुष्य के मरने के बाद मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु उसके अंदर में जो श्रेष्ठतम आत्मा है वो फिर से परमेश्वर के पास में लौट जाएगी, ऐसा सबोपदेशक 12:7 में लिखा है। ये है बाइबिल की सच्चाई। मेरे पियो हमारे अंदर की आत्मा नहीं मरती, अब वो आत्मा अनंतता तक जीने का उसको हक है। अब उस आत्मा के विषय में ही प्रभु यीशु मसीह अपनी कुर्बानी के बाद में अब मनुष्य को क्या करना है वो रास्ता यहाँ पर दिखा के उन्होंने हमें अग्रसर किया, हमको अगुवाई किया। और अपने धर्मशास्त्र में वो कह रहे हैं यदि तू मर भी जाए तो भी जिएगा,
इसका तात्पर्य वही है मेरे पियो, आमीन हालेलुया। इसका तात्पर्य यह है, तू मर जाएगा क्योंकि तेरा शरीर मट्टी का है, तू नश्वर है, तेरा शरीर नाशमान है, तेरा शरीर यहाँ मरेगा और वो मिट्टी में जाएगा, लेकिन तू यदि मुझ पर विश्वास करेगा तो तू फिर से जीने का हक तुझे मैंने बख्शा है। वो हक इसलिए है कि तूने मुझ पर विश्वास किया, मेरी कुर्बानी पर तूने विश्वास किया, मेरे लहू बहाने के ऊपर में तूने विश्वास किया, मेरे उस क्रूस के यज्ञ पर तूने विश्वास किया। इस कारण तू मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। इसका तात्पर्य, इस वचन का सही मकसद तात्पर्य ये है। आमीन हालेलुया। मेरे पियो, हम यदि मर भी जाए तो जिएंगे, इसका तात्पर्य यह है हम अनंतता के लिए जिएंगे। अनंतता, अनंतता का मतलब सार्वकालिक जीवन, स्वर्ग का राज, और स्वर्ग का राज अनंत काल का जीवन जो सदा तक जीने का परमेश्वर ने हमें वादा दिया है। आमीन हालेलुया। मेरे पियो, इसको ही हम लोग जन्नत, वैकुंठ और अलग अलग नामों से हम लोग इनको हम लोग बोलते हैं, लेकिन बात एक ही है कि स्वर्ग का राज अनंत काल का जीवन मोक्षधाम, जिसको हम अपने सरल भाषा में बोलते हैं, आमीन हालेलुया। मोक्षधाम में जाने का मार्ग जो है यीशु मसीह ने तैयार किया, और बाइबल में उसका स्पष्टीकरण है मेरे पियो, बहुत जगह उसका उल्लेख है, और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, यदि तू विश्वास करेगा, विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन हालेलुया। हम लोग अनंतता के लिए जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर रास्ता हमें बता के गए। मेरे पियो, मानना या ना मानना वो हमारी इच्छा है, लेकिन धर्मशास्त्र का सच्चाई तो ये है, यदि कोई उस पर विश्वास करे या करेगी या करेगा तो वो अनंत काल का जीवन, स्वर्ग का राज्य, मोक्षधाम को प्राप्त करेगा। आमीन हालेलुया। अब हम लोग देखते हैं 26 पद, और जो कोई जीवित है और वो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमीन हालेलुया। 26 पद में भी कहा है, विश्वास केवल इसके लिए, आपको केवल मात्र विश्वास ही करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई जतन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जैसे है वैसे ही, आप यदि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुर्बानी हम मानव जाति के लिए, हम मनुष्यों के लिए उन्होंने अपनी बलि दे दिया, अपना लहू बहाया उस यज्ञ पर, उस विधि, उस कुर्बानी पर, यदि आप विश्वास लाते हैं, ईमान लाते हैं, तो बस आप उद्धार प्राप्त करेंगे और स्वर्ग धाम में पहुंचने का अधिकार आपको पूरी तरह से मिलेगा। आमीन हालेलुया। वही बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर समझा रहे हैं। मेरे पियो, मैंने जैसे बताया, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे सिवाय कोई भी स्वर्ग के राज में परमेश्वर पिता के पास में पहुँच नहीं सकते, मैं ही एकलौता ऐसा मार्ग हूँ जिसके द्वारा आप स्वर्ग के राज में, अनंतता के जीवन में आप पहुँच सकते हैं। आमीन हालेलुया। मेरे पियो, यही महान सच्चाई है उस कुर्बानी के पीछे, उस बलिदान के पीछे, और यीशु मसीह के लहू बहाने के पीछे, जो स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर मानव जाति बनकर, मानव रूप धारण करके, मरियम के कोख में से निकलकर वो इस पृथ्वी पर जन्माया गया, और उसके बाद उनके कुर्बानी के द्वारा सारे मानव जाति के लिए एक ऐसा उद्धार, एक ऐसा मोक्षधाम, एक ऐसा मार्ग जो तैयार किया गया है,
वो बाइबल में बहुत स्पष्ट है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये अनुग्रह, ये दया हम पर हुई कि आज हमको ये अपॉर्चुनिटी, ये महान अनुग्रह सिर्फ हमको मिला है, जिसे हमें मेरे पियो अपना लेना चाहिए। आमीन। मेरे पियो यहाँ साफ लिखा है, तू मर भी जाए तो भी जिएगा। हम मरेंगे लेकिन फिर से हमें आत्मा में जीने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने ही अपने उस कुर्बानी के द्वारा, अपने उस पुनरुत्थान के द्वारा, मरकर जी उठने के द्वारा उन्होंने हमें ये अधिकार, ये अनुग्रह उन्होंने हमें दिलाया है। प्रभु की स्तुति हो मेरे पियो। मेरे पियो आपको और कुछ नहीं, केवल और केवल आपको विश्वास करना है, क्योंकि पूरे बाइबल में यही लिखा है, विश्वास, उस पर ईमान लाए, उस पर आप अपना विश्वास रखे, केवल मात्र आपके लिए उद्धार का मार्ग तैयार है। आपकी इच्छा, मर्जी आपकी है, आप जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव हमारा है। ईश्वर ने बाइबल धर्मशास्त्र में कहा है, देख जीवन और मृत्यु मैंने तेरे सामने रखा है, तो जिसको चुनता है वो तेरा है। यदि आप मृत्यु को चुनते हैं तो वो आपकी इच्छा, आप अगर जीवन को चुनते हैं तो आपकी इच्छा, अगर आप नरक को चुनते हैं आपकी इच्छा, अगर आप जीवन को चुनते हैं तो आपकी इच्छा। नरक और स्वर्ग दोनों आपके सामने रखा है, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। मैंने जीवन और मृत्यु दोनों मैंने तेरे सामने रखा, चुनाव आपका है, आपके ऊपर कोई जोर और ज़बरदस्ती नहीं है, किसी का आपके ऊपर में अधिकार भी नहीं है, आप स्वयं चुन सकते हैं इसमें से आपको क्या चाहिए। बाइबल धर्मशास्त्र वही बताती है, मैंने जीवन और मृत्यु दोनों ही मैंने तेरे सामने रखा है। अब इंसान को फैसला करना है कि मैं जीवन को चुनूं या मृत्यु, ये अधिकार हमें दिया गया है, हम जो चाहे चूज कर सकते हैं, खुदा उनका शुक्र हो। लेकिन हमने जीवन को चुना है, और जीवन की ओर हम देख रहे हैं, हम यीशु मसीह की ओर अपने नज़रें गड़ा के रखे हैं, ताकि हम अनंतता परमेश्वर के राज्य, उस मोक्षधाम में, उस स्वर्ग के राज्य में जाने के इंतज़ार में आज कड़ी मेहनत और ये सब कुछ जो आज हम कर रहे हैं संसार में, ये केवल मात्र उसी के लिए है मेरे प्रियो। क्योंकि हमें बाइबल धर्मशास्त्र ने हमें पता दिया है कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। अगर यीशु मसीह नहीं आते तो ये बातें हमको पता नहीं चलती थी। यीशु मसीह इसीलिए आए कि नरक भी है और स्वर्ग भी है, क्योंकि वो स्वर्ग से आया है, वो स्वर्ग से उतरा है, इसलिए उन्होंने ये पता हमें दिया है, मानव जाति को ये पता दिया है कि अनंत आग भी है और अनंत काल का जीवन भी है, ये दोनों भी है। आपको किसे चुनना है वो आपकी मर्जी, आप जो चाहे कर सकते हो। मेरे पियो खुदा उनका शुक्र हो, ये बातें जो आज हमने अपने सामने रखे हैं, तो चुनाव आपका है। मैं खुदा उनका लाखों लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये जीवन की बातें हमें दिए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इन बातों के लिए। आप इसे सुने और चुनाव आपका आप कर सकते हैं, आप पर किसी का भी जोर और ज़बरदस्ती नहीं, आप जो चाहे वो आपको मिलेगा, प्रभु आपके सहायता करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इन बातों के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे। आमीन, 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 आमीन।